everyone, welcome back to AgriCool Facts. This is me, Karishma Singh. So today we are talking about different type of classification crop in agronomy. So let's start in, we definitely keen examination hall. So let's start it, guys. So there are many crops in agronomy, just like cereal crop, pulse crop, oilseed crop, fiber or sugar crop. तो अब हम जानते हैं कि सीरियल क्रॉप में कौन से क्रॉप्स आते हैं, जैसे लाइक पैडी, वीट, मेट, ज्वार, बाजरा और बार्ले. अच्छा, आपसे एग्जामिनेशन हॉल में पूछ दिया जाए कि व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ पैडी, तो आपको पैडी तो पूछ दिया, आप पोएसी बता दिए, आपको रट्टा मारोगे ना कि सीरियल क्रॉप में पैडी का फैमिली होता है पोएसी, वीट का पोएसी. तो अगर आपको कहीं भी सीरियल क्रॉप दिख रहा है, सीरियल क्रॉप इट मीन्स दैट कि जिसकी पैडी हो गया, वीट हो गया, मेज, ज्वार, बार्ले, सुगर केन, तो आपको कहीं भी ये सीरियल क्रॉप दिख रहा है, इट मीन्स डैट वो आपका पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है. अच्छा, पोएसी और ग्रेमनी देके भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज किया जा सकता है कि आपको बोल दिया कि जस्ट लाइक क्वेश्चन कि आपसे पूछ दिया व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ वीट, ठीक, तो आपको एग्जाम्पल ऑप्शन दे दिया पोएसी, ग्रेमनी, लेग्यूमिनेसी और फेवेसी, ठीक, तो आप किस पे डिक मारोगे? डेफिनेटली आप, मुझे लगता है पोएसी पे ही मारोगे. बट जो अभी आप लोगों को न्यू नेम, अगर कुछ कुछ नहीं पता है, तो ग्रेमनी उसका ओल्ड नेम था, पोएसी इसका नया नाम है. तो अगर आपको कहीं भी देखे एग्जामिनेशन हॉल में ये कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, तो पोएसी इज़ अ न्यू नेम, ग्रेमनी इज़ अ ओल्ड नेम, ठीक. तो सीरियल क्रॉप आपको कहीं भी दिख जाए, इट मीन्स डैट वो पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है. ओके, तो अब हम जानते हैं बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पैडी. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, बोटेनिकल नेम होता है पैडी का ओराइजा सटाइवा, फैमिली है पोएसी विच इज़ न्यू नेम एंड ग्रेमनी इज़ अ ओल्ड नेम. क्रोमोसोम नंबर होता है डिप्लॉयड, यानी कि 2n इज इक्वल टू 24. और अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज़ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ पैडी हैप्लॉयड, सो हैप्लॉयड का क्या करेंगे, जैसे कि पैडी इज़ अ डिप्लॉयड, तो ये डिप्लॉयड 2n इज इक्वल टू 24 होता है. अगर आपसे हैप्लॉयड पूछा तो उसको 24 से डिवाइड कर देंगे 2, इट मींस दैट 12 हो जाएगा. तो हैप्लॉयड 12 होता है क्रोमोसोम नंबर पैडी का, और डिप्लॉयड होता है 24, यानी कि 2n इज इक्वल टू 24. अच्छा, ओरिजिन होता है साउथ ईस्ट एशिया, और इंडिया में इसका ओरिजिन है उड़ीसा में. एडिबल पार्ट होता है पैडी का सीड. सो गाइज, अब बात करते हैं वीट के बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में. तो वीट का बोटेनिकल नेम होता है ट्वेडिका मेस्टिमम, फैमिली पोएसी, क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 6n इज इक्वल टू 42, विच इज हेक्सापोलाइट, ओरिजिन साउथ वेस्ट एशिया, विच इज इन टर्की, एडिबल पार्ट सीड. तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वीट. वीट को क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट्स में, विच इज कॉमन ब्रेड वीट, ईमर वीट, मैक्रोनी वीट और डिप्लॉयड स्पीसीज. तो कॉमन ब्रीड वीट का बोटेनिकल नेम होता है ट्यूटिका मैस्टिमम, क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 6n इज इक्वल टू 42, ऑक्यूपाई 87% ऑफ वीट एरिया, यूज्ड टू मेक चपाती एंड बेकरी प्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस फ्रॉम मेक्सिको बाय एनी बोरलॉग, एंड इन इंडिया इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम एस स्वामीनाथन. सीड हैंस ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिकन वीट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन. अच्छा, अगर आप इस पोर्शन को ध्यान से देखें तो इसमें मुझे 4 क्वेश्चन साफ साफ आते हुए नजर आ रहे हैं. कौन से आपसे पूछ देगा कॉमन ब्रीड वीट का बोटेनिकल नेम क्या होता है, इस क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, ये हेक्सापोलाइड है या डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है या ट्रिप्लॉयड है, टेट्राप्लॉयड, ये आपसे पूछ सकता है. या आपसे पूछ सकता है कि कॉमन ब्रीड वीट क्यों यूज़ किया जाता है, विच इज चपाती और बेकरी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है. आपसे पूछ सकता है कि मेक्सिको में किसने इंट्रोड्यूस किया था कॉमन ब्रीड वीट को, तो एनी बोरलॉग ने. और इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था, एम एस स्वामीनाथन ने. मैक्सिकन वीट को किस नाम से जानते हैं, तो विच इज़ कॉमन ब्रीड वीट. ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए, मैक्सिकन वीट किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए. ओके गाइस, सो अब बात करते हैं ईमर वीट के बारे में. तो ईमर वीट का बोटेनिकल नेम होता है टेटिकम डाइकोकम, क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 4n इज इक्वल टू 28, इट इज़ टेट्रापोलाइड, इट ऑक्यूपाई 1% इन एरिया, इट इज़ यूज टू मेक उपमा. मैक्रोनी वीट की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम होता है टेटिकम डूरम, क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 4n इज इक्वल टू 28, इट ऑक्यूपाई 12% ऑफ एरिया, यूज टू मेक सूजी और सेमया और एक्सेट्रा भी है. इंपॉर्टेंट वेराइटी की बात करें तो जयराज, मल्लिका और मेघदूत. डिप्लॉयड स्पीसीज ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम
इलगो पोलाइट बोथ आर डिप्लॉयड स्पीसीज, क्रोमोसोम नंबर इज 14। इंडियन ड्रॉप वीट के बारे में बात करें तो उसका बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम स्पैरोकोकम। क्रोमोसोम नंबर 2n = 6n = 42 ग्रोन इन यूपी एमपी एक्सेट्रा। कॉमन नेम क्लब वीट। आपसे पूछ सकता है कि इंडियन ड्रॉप वीट का कॉमन नेम क्या होता है, तो विच इज क्लब वीट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हम बात करते हैं सॉर्गम के बारे में। तो सॉर्गम का बोटेनिकल नेम होता है सॉर्गम बाइकॉलर। फैमिली पोएसी। क्रोमोसोम नंबर इसका 20 होता है। ओरिजिन अफ्रीका और इसका एडिबल पार्ट होता है सीड। बाजरा की बात करें तो बाजरा का बोटेनिकल नेम होता है पेनिसिटम टाइफॉइड, पेनिसिटम अमेरिकेकम और पेनिसिटम ग्लैकेकम। इसका फैमिली है पोएसी, ओरिजिन है अफ्रीका और क्रोमोसोम नंबर है 2n = 14। बार्ले की बात करें तो बार्ले का बोटेनिकल नेम होता है ऑर्डियम वुलगेयर। फैमिली पोएसी। इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 14। ओरिजिन इथोपिया। एडिबल पार्ट सी। मेज की बात करें तो मेज का बोटेनिकल नेम होता है जिया मेज। फैमिली पोएसी। क्रोमोसोम नंबर 2n = 20 विच इज डिप्लॉयड। ओरिजिन मैक्सिको। एडिबल पार्ट सीड। इसके एक साइंटिस्ट थे कीप्स, जिसने जिया मेज को 7 पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म कैरेक्टर। तो वो है डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, फ्लोर कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, पॉटकॉर्न और वैक्सीकॉर्न। तो इसका बोटेनिकल नेम आपसे एग्जामिनेशन हॉल में पूछता है या आपसे बोटेनिकल नेम देख के कॉमन नेम पूछता है। तो इसका देखिए क्या है, डेंट कॉर्न का बोटेनिकल नेम जिया मेज इंडेंटाटा, फ्लिंट कॉर्न का जिया मेज इंडोरेंटाटा, फ्लोर कॉर्न का जिया मेज एमाइलेसिया, स्वीट कॉर्न का जिया मेज सेक्रेटा, पॉपकॉर्न जिया मेज एवर्टा, पॉटकॉर्न जिया मेज जूनिकाटाटा, वैक्सीकॉर्न जिया मेज सेरेटिना। तो आपसे पूछ सकता है कि जिया मेज इंडोरेंटाटा का कॉमन नेम क्या है, फ्लिंट कॉर्न। आपसे डेंट कॉर्न का बोटेनिकल नेम पूछ सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो जिया मेज इंडेंटाटा। तो ये सब जो आपने 7 स्पीसीज डिवाइडेड देखी है जिया मेज की, ये एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी पॉपकॉर्न या मेनली डेंट कॉर्न के बारे में पूछ लेता है। तो इट्स ऑल अबाउट सीरियल क्रॉप। सो गाइज, अब आप जान गए हैं एग्रोनॉमी में सीरियल क्रॉप के बारे में, कौन कौन से क्रॉप आते हैं और बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में। एग्रीकुल फैक्ट्स को पूरी उम्मीद है सीरियल क्रॉप से जुड़ी जानकारी आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। तो आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल एग्रीकुल फैक्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर इनोवेटिव जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचे, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।